लेडीज एंड जेंटम वेलकम टू दैवेंटी फिफ्थ मॉड्यूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी लास्टली हमने कि न्यू क्लासिकल थेरी के अंदर इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया और चंद चीज़ों को लिया गया उनमें वेरिएबल जो नंबर वन हमने लिया वो एम्प्लॉयज़ एंड इंडिविजुअल लिया फिर हमने बात की कि उसके अंदर आपका सेलेक्टिव एफिशेंसी कितना है और आपका जो है ओवरऑल कितनी होगी फिर उसके बाद बात हुई कि आप ऑप्टिमाइज़ कितना करेंगे कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन कितना करेंगे और आप परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कितना रिजल्ट दे सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप एलोकेटिव ना रहें और आप एक्स एफिशिएंसी को परफॉर्मेंस बेस ना रखें तो अब जो हमने बात की है और आज जब हम बात करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी। इसमें आज हम देखेंगे कि लेबेस्टिन साहब से पहले ये हुआ करता था कि मोनोपलाइजेशन थी और मोनापलाइजेशन के अंदर ये हुआ करता था कि आपने एक सिंगल प्रोडक्ट दे दी अब यानी सिंगल प्रोडक्ट आपकी मार्केट के अंदर है तो ओवरऑल सारा का सारा जो है वो प्रॉफिट मोटिव था ये नहीं देखा जा रहा था कि जो एम्प्लॉय है वो इसको कंज्यूम करने के बाद आपके साथ सेटिस्फेक्शन लेवल भी रखता है या नहीं रखता आपसे सेटिस्फाई है या नहीं है फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई कॉम्पिटिशन नहीं था कि आप किसी एक प्रोडक्ट ने शैम्पू निकाला तो मार्केट में अगर एक शैम्पू होगा तो उसके साथ उस एफ एम सी जी के अंदर इस एरिया के अंदर तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं जब बहुत अरसा पहले अगर किसी ने सोप कि, किया आ, आ, या कोई और प्रोडक्ट आ गई मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट आ गई एफ एम सी जी से रिलेटेड आ गई या आपके खाने पीने की अशिया से आ गई या बेवरेज एंड फूड में आ गई तो एक प्रोडक्ट की मोनोपली क्रिएट की जाती फिर उसके बाद एक्स एफिशंसी के जब लेब साहब आए इसके बाद से इस एंटरप्रेन्योरियल आइडिया के अंदर एक बड़ा चेंज आया और जो आइडिया था और जो बॉल था तो वो कंज्यूमर कोर्ट में चला गया अब ये कंज्यूमर कोर्ट वो नहीं है जहां पे आपके ऊपर कोई लॉ की कोई बाइनरी मामला आ गई या आपके ऊपर कोई प्ली हो गई ये प्ली वाला मामला नहीं है ये कंज्यूमर कोर्ट से मुराद कंज़म्पशन पे तो कंजम्पशन के ऊपर आपको फीडबैक दी जाने लगी कि आपकी फीडबैक ठीक है अगर आपकी बेटर मैनेजमेंट है और आपकी सिर्फ प्रॉफिट मोटिव्स की तरफ है और आपने मैक्सिमम पुश किया पुल एक तो strategy, एक मार्केट में, 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 में सत्रह से अठारह डिविजन के अंदर आपकी है तो उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो मैक्सिमम आ गए उनको इंसेंटिव दिए उन्होंने प्रोडक्ट्स को रैक में रखना शुरू कर दिया और मार्केट में बिकना शुरू हो गया इसी तरीके से उस जमाने में भी देखें तो लिबेस्टिन साहब ने यही कहा कि इन्होंने

इमोशनल स्टेटमेंट्स जोड़ दी गई और इससे आप जो है वो मार्केट को एक टाइम पे पुल कर सकते हैं खुशियां रमजान की एंड सो एंड सो फोर्थ ये इस तरह की जो टैग लाइन है उससे आप इमोशनैलिटी को वन टाइम पुश कर सकते हैं इसको वन शॉट कहा जा सकता है बाज़ात क्रिजमेटिक लीडर्स के साथ भी ऐसा होता है क्रिजमेटिक प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है कि वन शॉट तो आप चल सकते हैं लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आपकी फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है परफॉर्मेंस पे इफ देर इज नो परफॉर्मेंस आप आगे नहीं चल सकते यही बात उन्होंने की कि यू हैव टू बिहेव डिफरेंटली इन मोनोपोली जब आपका कंपटीशन नहीं है व्हेन देयर इज अ प्रोडक्ट कंपटीशन आपके दस किस्म के या पच्चीस किस्म के चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो बैंकिंग चैनल के अंदर जो ज्यादा सर्विस देगा मोबाइल में से स्कैन हो रहा है पैसा ट्रांसफर हो रहा है जल्दी से मुझे चीजें मिल रही हैं टैक्स मेरे कट कम कट रहे हैं इंसेंटिव्स मुझे ज्यादा मिल रहे हैं जब कि किसी कंपनी में अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे एफिशिएंसी के मुताबिक मुझे कितना रिजल्ट्स दे रहे हैं मैं कितनी काम कर रहा हूं और उससे मुझे इंसेंटिव कितना मिल रहा देन ही दैट बाय एलिमिनेटिंग इंक्रीज और इंक्रीज स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन और मोनोपोली इस दो चीजों को समझिए वी द स्पेशलाइजेशन फाइनल रिजॉर्ट और रिजल्ट नहीं ये भी नहीं होगा मोनापोली क्रिएट करना यह भी रिजल्ट नहीं होगा होगा क्या आपने मैक्सिमाइज करना सिग्निफिकोटल होल मार्केट एंड रिजल्ट आपका कंज्यूमर जो है वो कितना जाता है सो so, इस एरिया के अंदर जो है तो वो काफी पाइनियर हद तक आपके सामने आते हैं इंपॉर्टेंट आपकी परफॉर्मेंस बगैर अच्छी मैनेजमेंट के नहीं होगी मार्केट के एक सिस्टम को मैं डिनाय करने लगा फीडबैक ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि जब तक आपका एम्प्लॉय खुश नहीं होगा आपकी प्रोडक्ट तो अच्छी नहीं बनने वाली एक बात समझ लीजिए और आने वाले एंटरप्रेन्योर्स इस चीज को जान लें कि जब तक आपके विजन के साथ अलाइन नहीं होगा जब तक आपका एम्प्लॉय खुश नहीं होगा प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर के दिमाग में भी नहीं बनेगी ये बाइस वर्सा है

ग्रे मार्केट की तरफ चले जाते हैं और इसी तरीके से जो है जो आपका जो एम्प्लॉय है वो एट आवर्स से बढ़ाकर बारह आवर्स पर काम करता है अठारह पर काम करता है आपके पैसे बढ़ा थोड़े से इंक्रीज के साथ भी काम करता है लेकिन आपकी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों जो है वो क्वेश्चन मार्क में चले जाते हैं सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सो देयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बिहेव इन अ मार्केटिटिव मार्केट अ मार्केट सो ये कहते हैं जमेंट एंड बेटर ऑर्गेनाइजर दिस इज द्राक्स इन द्यूक्स ऑफ द एक्स एफिशियं इस पर हम मजीद बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल थैंक यू वेरी मच